हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं नुजेवा फिर से आप सभी के साथ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, शुरुआत करते हैं आज के आपके सेशन की। बच्चों बहुत मजा आने वाला है, बहुत कमाल का सेशन आपका होने वाला है। कल भी बच्चों हमने बहुत प्यारी प्यारी वोकैबुलरी को कवर किया था, जैसे कि हमने जाना था कल बहुत सारे वर्ड, जैसे कि गैफी क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, कॉम्प्लियंस क्या होता है और ल्यूट क्या होता है। इन्हीं सभी वर्ड्स के जो कमाल के जो वर्ड्स हैं, इनकी ट्रिक, इनकी इमेज, सब कुछ हमने जाना था। तो आज की क्लास आपकी सुबह 6 बजे होगी, कल आपकी क्लास 9 बजे हुई थी और कल भी आपकी क्लास 9 बजे होगी, यानी कि 6 बजे एग्जामपुर वाले मेन चैनल पर और 9 बजे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर। तो साथ ही शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो देखते हैं पहला वर्ड हमारे सामने यहाँ पर क्या है। इमेज तो आप लोगों ने देख ही लिया है, पैसा 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 है ना। तो जानते हैं अच्छे से रिलेटेड हमारा वर्ड कौन से आने वाला है। बच्चों इमेज से चीज़ें आप लिंक करते हैं, आपके माइंड में चीज़ें अच्छे से ग्रैप हो पाती हैं। तो बच्चों पहला वर्ड आप सभी के सामने यहाँ पर क्या है, मॉनिटरी। बच्चों मॉनिटरी आपने बहुत बार सुना होगा कि हमको अपनी मॉनिटरी वैल्यूज़ को इंक्रीज करना है। बच्चों मॉनिटरी वैल्यूज़ का मतलब, मॉनिटरी का मतलब क्या होता है बच्चों, मौद्रिक। कोई मौद्रिक कोई भी चीज़ जो हमारी पैसों से रिलेटेड होती है, मौद्रिक ये वित्तीय है ना, मनी को हम बोलते हैं एक तरीके से मॉनिटरी। बच्चों इसकी ट्रिक बड़ी कमाल की है, अगर आप ध्यान से इस वर्ड को देखते हैं तो आपको यहाँ पर इस वर्ड में नज़र आता है मनी, मनी और पैसे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मौद्रिक का और वित्तीय का। तो काफ़ी आसान हो गया आपके लिए इसका जानना। बात करते हैं इसके सुनोनिम के बारे में। बच्चों इसका सुनोनिम हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल, ये दोनों क्या होगा, इसके सुनोनिम हो गए। बच्चों इस वर्ड का कोई अपोजिट खास मेरे को मिला नहीं, इससे आज की जो वोकैबुलरीज में बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे इसके अपोजिट खास है नहीं, तो इसलिए मैंने क्या काम करा, इसका कोई अपोजिट नहीं रखा, क्योंकि आप ऑब्वियसली कुछ सोचिए मौद्रिक का अपोजिट क्या बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की, अगला वर्ड देखते हैं हमारे सामने यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट वर्ड आप यहाँ पर इमेज को ध्यान से देखिए, आपको नजर आएगा एक डिटेक्टिव टाइप का, जैसे कि किसी चीज़ का रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है वो, है ना। तो खैर जानते हैं इसका वर्ड हमारे सामने यहाँ पर क्या है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने यहाँ पर क्या है, डिड्यूस। क्या है बच्चों आपके सामने वर्ड यहाँ पर, डिड्यूस। बच्चों डिड्यूस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, परिणाम निकालना, किसी चीज़ का परिणाम निकालना, उसको क्या बोलते हैं, डिड्यूस बोलते हैं। बच्चों इसकी ट्रिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी दो तरीके हैं, डिड्यूस। बच्चों डिड्यूस को आप याद कर लो रिड्यूस से, कि हम किसी चीज़ को कम करते जाते हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट आता है, या फिर आप याद कर लो रिड्यूस साउंड्स लाइक जूस, है ना, जूस। आप जूस की दुकान पर जाते हैं, क्या कहते हैं, भैया एक जूस का एक गिलास मौसमी का जूस निकाल दो, तो क्या करता है, मौसमी डालता है वो उसमें, फिर फाइनली जो मौसमी होते हैं उसका निचोड़, उसका रिजल्ट जूस के शेप में आपके सामने आता है। तो डिड्यूस को आप रिड्यूस से याद कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं इसके सुनोनिम के बारे में। तो आपका यहाँ पर जो सुनोनिम है वो क्या है, यहाँ पर ड्रॉ कंक्लूजन यानी कि परिणाम निकालना, या इन्फर। बच्चों इन्फर का मतलब क्या होता है, आपका अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको क्या हो जाता है, सुनोनिम हो जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड के बारे में, फिलहाल इसको मैं आपसे रिलीज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इमेज को ध्यान से देखते रहिएगा, एंटोनियम बच्चों यहाँ पर क्या है आपके सामने, यहाँ पर इसका डिस्ट्रॉय और डिवाइड, इसको डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ देना, एक तरह हम बात कर रहे हैं परिणाम रिजल्ट की, एक तरह बात कर रहे हैं बर्बाद करने की, तो दोनों क्या होगा, इसके ऑपोजिट हो गए। चलिए बच्चों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बच्चे नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है, कॉन्टेक्स्ट। अक्सर आपने देखा होगा, मेरे मुंह से भी सुना होगा कि हमको उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। आपका एग्जाम एयरफोर्स का है, नेवी का है, एसएससी का है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जितनी वोकैबुलरी करा रहा हूँ एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके एग्जाम के रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में वोकैबुलरी करा रहा हूँ। आप वोकैबुलरी की हज़ारों क्लासेस यूट्यूब पर ले सकते हैं, लेकिन आपको जो कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल आपके एग्जाम वाला मिलेगा। आपको एग्जाम में आपको यहीं से वोकैबुलरी देखने को मिलेगी, और साथ साथ जो ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा यूनिक होती है, क्योंकि मैं वर्ड में से ट्रिक बनाता हूँ, मैं कहानियाँ नहीं बना पाता, क्योंकि बहुत लंबी कहानी बच्चा कहाँ से याद करेगा, मेरी हमेशा ट्रिक आपको वर्ड में से देखने को मिलेगी। बच्चों बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में, ट्रिक के बारे में। देखो बच्चों ट्रिक हमारे यहाँ पर क्या हो गई, टेक्स्ट। टेक्स्ट आप सभी लोग जानते हैं, तो आप याद कर लो कि टेक्स्ट के लिए क्या है, हमको एक संदर्भ लिखना पड़ता है, टेक्स्ट होता है रिटन फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म में दे दो तो वहाँ से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। सुनने हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रेफरेंस और फ्रेम पर, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके सुनने हो जाएंगे। रेफरेंस कहते हैं ना, उसको रेफरेंस दिया, उसके संदर्भ में मैंने बात बोली है। फ्रेमवर्क बच्चों बेसिकली क्या होता है, ढांचा होता है, एक तरीके से ये क्या होगा, इसका मीनिंग ढांचा होता है, तो ये इसका सुनोनिम है ना। फ्रेमवर्क क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, रेफरेंस क्या है, ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं।
आगे बढ़ता है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारे सामने एक महान योद्धा ब्रूस ली है जो कि क्या कर रहे हैं, दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। जैसे आप नमस्ते बोलते हैं ऐसे इनके यहाँ पर इस तरीके से सम्मान को बोला जाता है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ों को, तो क्या कर रहे हैं, दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। अब वैसे भी बच्चे कोरोना चल रहा है तो सब लोग क्या हाथ जोड़ क्या करते हैं, दूसरे को सलाम नमस्कार साहब सम्मान देते हैं, नमस्कार जय हिंद नमस्ते, ठीक है। आजकल के बच्चे तो घुटने से छूते हैं पैर को, जबकि क्या है एक्चुअली पैर स्पर्श, आपके जब माता पिता है या कोई भी पढ़ा है तो आप पैर छूते तो बिल्कुल नीचे से पैर छुआ करो, नहीं घुटने से अंकल जी नमस्ते नमस्ते, ऐसा लग रहा है पैर पैर नहीं क्या कहते हैं उनकी जे उनकी क्या कहते हैं घुटने छू रहे हो, ठीक है। खैर रिगार्ड बच्चों, रिगार्ड हमारे सामने वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर ध्यान देना या सम्मान देना, ध्यान देना या सम्मान देना। अच्छे इसको याद करने का तरीका क्या है, रीगार्ड, अगर आप ध्यान से देखें तो ये साउंड कर रहा है गार्ड जैसा। गार्ड मतलब कौन होते हैं, जो रक्षक होते हैं हमारी सिक्योरिटी के, हमारी कॉलोनी के बाहर गार्ड होते हैं, बैंक में गार्ड होते हैं, तो उनको सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो आप इस तरीके से दोनों चीज़ों को याद कर सकते हैं। सुनने क्या हो जाएगा बच्चों, आपका यहाँ पर रिस्पेक्ट हो जाएगा और अटेंशन हो जाएगा, सम्मान है रिस्पेक्ट अटेंशन है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, आपका यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट और डिसइस्टीम, दोनों क्या हो गए बच्चों, किसी का तिरस्कार करना, डिसइस्टीम बेसिकली क्या होता है, किसी का निंदा निंदा के लिए आता है, तिरस्कार के लिए आता है, तो दोनों क्या हो गए, इसके ऑपोजिट हो गए, ठीक है बच्चा। इमेज की तरह ध्यान देते रहिएगा, इमेज देखेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में ग्रैप हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपके सामने पर नेक्स्ट क्वेश्चन है रैकेट। बच्चों रैकेट का मतलब क्या होता है, चालाकी या धोखाधड़ी। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक अलार्म है जिस पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉड अलर्ट, अगर कोई भी फ्रॉड करता है तो अलार्म बज जाएगा, धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है बच्चा। अब बच्चों बात करते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। बच्चों देखो रैकेट को याद करने की मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप इस शब्दों को अखबारों में पढ़ सके होंगे, आपने सुना होगा कि उस जगह पर एक रैकेट पकड़ा गया है ना, पैसों का रैकेट था, ड्रग्स का रैकेट था, सेक्स रैकेट था, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होंगे कि जो रैकेट को पकड़ने की बात चलती है ना, कि धोखाधड़ी चल रही थी वहाँ पर, पूरा कारोबार चल रहा था, तो इस तरीके से जितने भी वर्ड्स हैं आपने न्यूज़पेपर में सुने होंगे तो वहाँ से याद कर सकते हैं कि चालाकी हो रही थी, धोखाधड़ी हो रही थी, ठीक है। रैकेट का मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी, इलीगल काम है ना, किसी भी चीज़ जो इलीगल है उसको क्या बोलते हैं, रैकेट बोलते हैं, ओके। तो सुनने क्या हो गया बच्चा, हमारा फ्रॉड और इलीगल जैसा कि भी आपको मैंने बताया। एंटरिंग क्या हो गया बच्चा, हमारा ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी, इंटीग्रिटी मतलब क्या था, ईमानदार, और क्या होगा इसके ऑपोजिट होगा, ओके बच्चा। ये हमारा यहाँ पर पहला सेशन फिनिश होता है, यानी कि हम चीज़ों को इमेज से और ट्रिक से याद कर लिया हमने इस तरीके से। बात कहाँ अभी खत्म नहीं हुई, बात तो शुरू हुई है। अब बच्चों आपके सामने यहाँ पर क्या आ गए हैं सारे, ये आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं एग्जाम्पल, फटाफट से 30 सेकेंड आपके पास हैं। ये जितने भी वर्ड हैं जैसे कि मॉनिटरी है ना, और डिड्यूस है ना, और इसके अलावा बच्चा आपका यहाँ पर रिगार्ड है और कॉन्टेक्स्ट है, इनको एक बार एग्जाम्पल से याद करने की कोशिश करो। पढ़ो उसका क्या मतलब यहाँ पर निकल करके आ रहा है, फटाफट से जल्दी से पढ़ो फटाफट, इसका क्या मतलब निकल करके आ रहा है, जल्दी से पढ़िए इसका क्या मतलब निकल करके आ रहा है इसका, फटाफट से देखिए बच्चा, जल्दी से क्या मतलब निकल करके आ रहा है इसका, फटाफट से देखिए। द पॉलिसी शुड, 30 सेकेंड आपके पास है, टेक योर टाइम प्लीज। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, द पॉलिसी शुड ब्रिंग ग्रेटर मॉनिटरी स्टेबिलिटी, यहां पर आप कर लीजिए स्टेबिलिटी कर लीजिए, मॉनिटरी के आगे आप लिख लीजिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कह रहा है द पॉलिसी शुड ब्रिंग ग्रेटर मॉनिटरी स्टेबिलिटी टू द कंट्री। ये जो पॉलिसी है उसको लाना चाहिए बहुत बड़ा एक मौद्रिक स्टेबिलिटी देश के लिए। तो हमने क्या जाना, मॉनिटरी का मतलब क्या जाना बच्चों, हमने क्या जाना, मौद्रिक यानी कि वित्तीय, क्या जाना बच्चों हमने, मौद्रिक यानी कि वित्तीय यानी कि इकोनॉमिक, ठीक है। डिड्यूस, व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस फिगर, हम इस फिगर से क्या ड्रॉ कंक्लूजन कर सकते हैं, या तो डिड्यूस मतलब कि ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है, परिणाम निकालना, ड्रॉ कंक्लूजन। वी शुड रिगार्ड दोज ब्रेव सोल्जर, हमको उन ब्रेव सोल्जर का सम्मान करना चाहिए जो क्या करते हैं बच्चा, हमारी रिस्पेक्ट मतलब हमारे लिए, हमारी फाइट करते हैं हमारे देश के लिए। तो इसके क्या क्या बताया था, मैंने अटेंशन बताया था ध्यान देने के लिए और रिस्पेक्ट, तो दोनों क्या था बच्चों, रिगार्ड मतलब कि सम्मान, ठीक है। ट्रिक हमारी क्या थी, गार्ड से। हिज डिसीजन कैन ओनली बी अंडरस्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट, उसकी जो डिसीजन है कि उनको समझा जा सकता है संदर्भ में। ही हेट्स द रैकेट ऑफ मॉडर्न लाइफ, वो आज के मॉडर्न लाइफ की जो धोखाधड़ी जो चला के उससे क्या है, नफरत करता है।
तो बच्चों हमने सेकेंड स्टेप जो है हमारा हमने यहाँ पर फिनिश किया। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब आपका टेस्ट लेते हैं। बच्चों ये हमारे सामने मैच द कॉलम है, ये आप लोगों का टेस्ट है, फटाफट से मैच द कॉलम कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे के सारे बच्चे इसको फटाफट से करने वाले हैं। जल्दी से एक बार क्लिक कर दीजिए आंसर को, सभी को फटाफट से सारे आंसर बता दीजिए जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। जल्दी से बता दीजिए बेटा, फटाफट से बता दीजिए। शाबाश, बताइए क्या आंसर होने वाले हैं इनके जल्दी से। वेरी गुड बच्चा, आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट से। शाबाश, मोनीचेरी। मोनीटेरी बच्चों देखो आपके सामने वर्ड है, सभी है वो बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज करते हैं। मोनीटेरी समझ, मैंने क्या क्या बताया था आपको, मौद्रिक यानी कि इकोनॉमी। तो ये हो गया हमारा डिड्यूस में लगे परिणाम निकालना यानी कि ड्रॉ कंक्लूजन, कॉन्टेक्स्ट यानी कि संबंध में यानी कि रेफरेंस, और डिड्यूस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, रिकार्ड मतलब कि सम्मान या फिर ध्यान देना, अटेंशन, रैकेट यानी कि फ्रॉड। हो गया मैं ऐसा कॉलम। देखिए तो तीसरी बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, तीसरी बार, सो सकते हैं बेटा। और लास्ट आपका मेडिटेशन मेथड है, सभी बच्चे आंखें बंद कर लीजिए फटाफट से मेरे साथ, सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए। मैं आपके सामने यहाँ पर पहला वर्ड बोलूंगा, आपको अपनी आंखें बंद करके उस वर्ड को रिवाइज करना है, उसकी ट्रिक को देखना है। जल्दी से आपका पहला वर्ड यहाँ पर क्या है, मोनीटेरी। बच्चों फर्स्ट वर्ड आपका यहाँ पर क्या है, मोनीटेरी। जल्दी से सोचिए आंसर बताइए इसका क्या होगा, मोनीटेरी। फिर क्या आती है बच्चों, मनी, इकोनॉमिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आपके सामने पर क्या है, डिड्यूस। डिड्यूस, डिड्यूस, सोचो, डिड्यूस, कंक्लूजन, ड्रॉ कंक्लूजन। आंखें नहीं खोलनी है, चैट नहीं करनी है, अगर सच में चाहते हो पढ़ना सीखना। कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट मतलब कि रेफरेंस में है, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। टेक्स्ट है मतलब रेफरेंस है। रिगार्ड, रिगार्ड सम्मान करना चाहिए, गार्ड का, रिस्पेक्ट, अटेंशन। रैकेट फ्रॉड है, इलीगल है, ये सब चीज़ें, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा बच्चों अगर आपको शाम को, बच्चों देखिए मेरी क्लास चलती है आपकी, अभी सुबह 9 बजे हुई है, ठीक है, आपकी सुबह 6 बजे मेरी हो गया आपकी क्लास हुई है। आज मैं सुबह 9 बजे आपके लिए लेकर के, 9:30 बजे, 9:30 बजे लेकर के आया हूँ आपके लिए आर्टिकल। मगर ये आपको आर्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे एग्जाम्पल वाले मेन चैनल पर, एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पर। एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पर आप जाइएगा, आप क्लास को 9:30 बजे या बाद में 10-11 बजे जब भी आपका मन करे आप देख लीजिएगा, आर्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और आज शाम को 8 बजे एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पर होगा आपके लिए क्विज। ये हमारा चैनल है एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर, इसको सब्सक्राइब कर लेना आप लोग भी, ठीक है, ताकि आपको सारी क्लास मिल सके टाइम से। अच्छा भाई जो 8 बजे पर आपका रात को होगा आपका क्विज, जहाँ पर आर्टिकल के मैं क्विज कराने वाला हूँ। तो ये सेशन दोनों के आज देखना ना भूलें, और कल क्लास में ना देखे जरूर देख लीजिएगा। हमारा ग्रुप है एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एक पेज है हमारा, उसको जरूर लाइक कर लीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ आपको एग्जाम्पल वाले चैनल पर मिल जाएगा, एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा। फ्री कोर्स में जाएंगे, फ्री कोर्स में जाएंगे, फॉर ऑल एग्जाम में जाएंगे, फॉर ऑल एग्जाम में जाएंगे, वो कैंप में जाएंगे। वो कैंप में जाने के बाद आज की डेट यानी 17 जून से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे। एक बार लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।